मुंबई साइक्लोथन एक मकसद को लेकर हो रहा है, मकसद व्यापक है, बड़ा है। जो हम ये चाहते हैं कि न सिर्फ मुंबई को, मुंबई एक शुरुआत है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे भारत को और पूरे विश्व को एक ऐसी जगह बनाई जा सके जहां लोग मतलब ट्रैफिक कंजेशन जिसे कहते हैं, ट्रैफिक जाम से फ्री शहर बन सके, इलाके बन सके, वहाँ प्रदूषण मुक्त हो सके, साउंड और एयर पॉल्यूशन से हम मुक्त हो सके, क्योंकि मोटराइज्ड ट्रैफिक में साउंड एंड एयर पॉल्यूशन बड़े पैमाने पर होता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक कम्युनिकेशन सिस्टम, सार्वजनिक जो कम्युनिकेशन, सार्वजनिक कम्युनिकेशन सिस्टम होती है, जो जैसे बसेस हैं, मेट्रोज़ हैं, रेल्स हैं, उसका इस्तेमाल करें। जैसा कि बताया जियो के प्रतीक जी ने कि प्रगत देश वो नहीं होता जिस देश के लोगों के पास बहुत सारी कारें हों, मोटराइज्ड व्हीकल हो, बल्कि वो होता है जिसके पास कारें रखने की क्षमता हो, फिर भी लोग विकल्प के रूप में साइकिल चलाना पसंद करते हों, जिससे वातावरण बेहतर हो, ग्रीनर हो, सुंदर हो और लोग रहने वालों को मन प्रकृति से टकराहट ना हो, प्रकृति से सामंजस्य स्थापित हो। तो भारत को, हिंदुस्तान को फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत हम इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन काल में हम ये चाहते हैं कि हम सचमुच एक ऐसे वातावरण की तैयारी करें जहां न सिर्फ हम एक्सरसाइज के लिए करें, बल्कि कम्यूट के लिए भी इसका उपयोग करें, जिससे कि वातावरण बेहतर हो और लोग जो ड्रग्स और दूसरे ये में जाते हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए, आनंद लेने के लिए, या मोबाइल में वैलिडेशन के लिए रहते हैं कि उन्हें एक प्रमाण मिले कि उनको कोई पहचानता है, कोई जानता है, वैलिडिटी के लिए रहते हैं, उसकी बजाय वो अपने आप को, खुद को जानने के लिए एक्सरसाइज करें, साइकिलिंग करें और इसकी तरफ हम उनको मोड़ना चाहते हैं, जिससे उनका सही तरीके का, उनकी ऊर्जा का पुनर्वसन हो सके। ये हमारा मकसद और उद्देश्य है। सर, एक सवाल है कि जैसे सड़कों पर वैसे ही आजकल जगह बड़ी कम रहती है, तो साइकिल ट्रैक्स बनाने के लिए क्या ऐसी प्लानिंग ला सकते हैं जिससे साइकिल ट्रैक्स को और ज़्यादा जो साइकिलिस्ट हैं उन्हें और मोटिवेशन मिले? जी बिल्कुल आ सकती है, और महानगर पालिका और जो दूसरे ये हैं, दूसरी संस्थाएं जो रोड्स बना रही हैं, वो इसे अब कंसीडर कर रही हैं। जैसे पिंपरी चिंचवड़ में हो, या फिर पुणे में हो, या मुंबई में भी हो, मुंबई में बीकेसी में और ये महालक्ष्मी के इलाके में, रेस कोर्स के इलाके में वो साइकिलिंग ट्रैक बना रहे हैं, और साथ में मेट्रो स्टेशंस में साइकिलिंग के स्टैंड्स तैयार करवाने की परिकल्पना है। तो सब तरफ साइकिलिंग को प्रमोट करने की बात चल रही है, और जैसे अभी जो रोड्स बन रहे हैं, मतलब जो आप कह सकते हैं तटीय रोड बन रहे हैं, उसमें अगर साइकिलिंग के इलाके सुनिश्चित कर दिए गए, साइकिलिंग के पाथ सुनिश्चित कर दिए गए, तो लोगों को साइकिलिंग करने की एक आदत हो जाएगी और कम्यूट करने में उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी। जो नए रोड्स बन रहे हैं उनके साथ भी जोड़ा जा सकता है, और जिन रोड्स को एक्सपैंड किया जा रहा है वहाँ भी इसे जोड़ा जा सकता है। तो सब तरफ ये सोच है, और इसीलिए महापालिका भी इसमें पार्टनर बनी है, पुलिस भी इसमें पार्टनर बना है, और साथ में इसमें मेट्रो की जो दो एजेंसियां हैं, MMRDA और ये दोनों एजेंसियां इसमें पार्टनर बनी हैं, रोड बनाने वाली MSRTC इसमें पार्टनर बनी है। तो इसमें वो सारे लोग, इवेंट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी इसमें पार्टनर बना है, NCB पार्टनर बना है, कारण इसका मकसद बहुत व्यापक है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मुंबई करो को ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे सर ने कहा कि ये अपने डिप्रेशन को या फिर अपने स्ट्रेस को एक नेगेटिव एनर्जी की तरफ ना लेके जाते हो, पॉजिटिव स्पोर्ट्स को एक पॉजिटिव एनर्जी वहाँ लेके जाके अपने आप को सुधारने के लिए या फिर अपनी नेगेटिविटी निकालने के लिए बहुत अच्छा जरिया है साइकिलिंग। और ये इवेंट मैं डेफिनेटली NCB की तरफ से सपोर्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एनकरेजमेंट्स भी है, प्राइजेस भी है, और इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टुवर्ड्स ग्रीन मुंबई एंड क्लीन मुंबई। सो ये तीनों ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करने के लिए बहुत अच्छा इवेंट है। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इस मुहिम को लेकर? सर बोलिए। I think the benefits of any sport or cycling have been said many times over, but we as Jio are committed to bring in the same transformation that we brought in through our digital services and mobile services, the same digital transformation that we brought in for several millions of citizens in India. This event brings about transformation in terms of fitness, health, and Jio is extremely happy and proud to partner and promote yet another sport after soccer, cricket, tennis. We are extremely happy to be associated with this sustainability initiative that we are doing in Jio Movement. I think this last question was his technical expert. So, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पहला 1.0 एडिशन है हमारा, और यहाँ पे 2.0 या 3.0 में पूरा मुंबई साइकिलिंग करेगा, ये बैनर के अंदर ये हम लोग सोच के ये काम कर रहे हैं। सर, कुछ लक्ष्य रखा कितने लोग शामिल हो सकते हैं, कुछ टारगेट है आप लोग का? सो जो साइकिल रेस हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहाँ पे 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जो साइक्लोथॉन है उसमें 2000+ पार्टिसिपेंट्स हैं। सर, आप कुछ बताइए कि किस तरह का सपोर्ट है आपका? सर, गुड़ा इससे जुड़ा हुआ है क्योंकि ये मुंबई के लिए है, मुंबई की ग्रीनर इनिशिएटिव के लिए है, और मेरा एक सोच है कि 5 साल बाद या आज से वो शुरुआत हो रही है, इट्स अ बिगिनिंग टुडे, बट कम से कम लोग मेट्रो में से जब निकलें तब उनके ऑफिस जाने के लिए साइकिल हो, वहाँ से साइकिल करके ऑफिस में पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे देशों में लोग साइकिल में आते हैं ऑफिस में। हमारे सीनियर मैनेजर्स लोग हैं जो साइकिल में आते हैं, उनके पास कारें हैं, उनके पास सब कुछ है, साइकिल में आते हैं। मेरा सोच है कि मुंबई के लिए, मुंबई कर होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुंबई में शुरुआत हुई, एंड आई एम वेरी हैप्पी, कंग्रेचुलेट ऑल दी स्पॉन्सर्स ऑन दिस। HDFC. And I think it's a great initiative which has been taken. We would look forward at, like, the way running is a passion nowadays in many of the people. Cycling is one thing that actually all age group, anyone can participate and anyone can be part of it. So we really are looking forward that cycle should be like a wave for everyone and everybody should participate. As a bank, we are always very proud and honoured to be part of such initiative, and we look forward for us to be associated in many more such events where we can contribute to the society, we can contribute to the well-being of the society, because many times when we part of our CSR initiatives and all, we do a lot of stuff in terms of the upbringing of the society, and I think this is a very healthier way to ensure that the society comes up and there is a lot of people in our society. So we are extremely happy to be part of it. Thank you. Just to add, we all know we're driving the Atmanirbhar agenda, right? Atmanirbhar Bharat. I think the Atmanirbhar agenda starts from oneself. How are we going to be self-reliant when we become 60 and 70? Physically, are we going to depend on others to take care of us? So this is a great way. Sports is a great way to be Atmanirbhar first, and if we can be Atmanirbhar first, I will surely make this country Atmanirbhar. Wonderful. Swanirbhar se Atmanirbhar. Okay. आप बोलना चाहिए। सायकल एज अ कम्यूट राहिला पाहिजे, डेली कम्यूट. तर माझं असं म्हणणं आहे की मुंबईकरांनी जास्तीत जास्त सहभागी व्हावं, आणि रस्त्यावर जर जास्त सायकल दिसायला लागल्या तर गव्हर्नमेंटला ती इन्फ्रास्ट्रक्चर तयारच करायला लागेल. उलटं पण होऊ शकतं, त्यामुळे आपली पण जबाबदारी आहे की सायकलचा जास्तीत जास्त वापर करा आणि गव्हर्नमेंटचं प्रेशर आहे की इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करा. हमारे पास साइकिलिंग मेयर फिरोजा हैं, और वो मुंबई की साइकिलिंग मेयर तो नहीं, वो अपने ऑफिस अपने शॉप तक साइकिल से जाती है और आती हैं, और वो उनका हर दिन का क्रम है. तो उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही समझते. मेरा जो जर्नी रहा है वो 12 साल से 12 इयर्स आई बीन प्रमोटिंग साइकिलिंग. पैंडेमिक ऐसा पीरियड रहा जहाँ पे साइकिलिंग एब्सोल्युटली 30-35% इंक्रीज हुआ है. देयर बीन इंक्रीज इन साइकिलिस्ट अराउंड दिस पेंडेमिक. कोविड का ऐसा पीरियड रहा है जहाँ पे बच्चे पीपल को इम्यूनिटी बढ़ानी थी अपनी, तो साइकिल और रनिंग ऐसी एक्टिविटी रही कोविड के टाइम पे कि लोगों ने ये अपनाया, क्योंकि हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न। तो मेरी जो 12 साल की जर्नी रही पेंडेमिक जैसा, आई हैव नेवर सीन द साइकिलिंग ग्रोथ बेसिकली। तो साइकिल ऐसा व्हीकल है, सबको पता है कि ये हम कम्यूट के लिए भी यूज़ करते हैं। जो हमारे स्विगी जोमेटो साइकिलिस्ट हैं, डिलीवरी ऐप वाले हैं जो वो साइकिल अपने डिलीवरी के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो हेल्थ और फिटनेस के लिए यूज़ करते हैं, लीजर एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द कॉम्पिटिटिव स्पेस, टूर दे फ्रांस वगैरह जो होता है वो कॉम्पिटिटिव स्पेस में होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो लोग लीजर साइकिलिंग करते हैं, ये हमारे लिए क्रिटिकल मास होता है। भले हम सारवर में जो भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, नो ये जियो मुंबई साइक्लोथॉन ये एक इनिशिएटिव है, ये मुंबई के लिए क्रिटिकल मास दिखाने के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिकॉज साइकिलिस्ट बढ़ गए हैं, बट हम इन साइकिलिस्ट को दिखाएंगे कब? जब तक हमारे पास ऐसे क्रिटिकल मास इवेंट नहीं हो तो लोग अपनी साइकिल लेके रस्ते पे आए एंड देन यू नो दे कैन राइड अलोंग। पहली बात मैं तहे दिल से सारे अथॉरिटीज़ जो हमारे मुंबई पुलिस, BMC, MMRDA, जितने स्पॉन्सर्स हैं, जियो, जितने HDFC, जितने भी यहाँ पे हैं, आई रियली लाइक टू थैंक टू सपोर्ट दिस कॉज। बिकॉज जब मैराथन की बात होती है तो बोलते हैं हाँ देयर इज़ अ गॉड फादर, जब साइकिलिंग की बात होती है, जब मैं 12 साल से साइकिलिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे गॉड फादर कोई नहीं है। सो आई रियली वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ योर टू सपोर्ट एंड बी पार्टिसिपेटिव ऑफ दिस। एंड येस, हमको मुंबई को साइकिलिंग सिटी बनाना है, ये शुरुआत है। ओके, लोग बोलते हैं कि साइकिल ट्रैक कभी आएगा। ओके, साइकिल ट्रैक इतना जल्दी नहीं आएगा, बिकॉज ये बोलते हैं कि साइकिलिस्ट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बीच में यू नो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस। साइकिल इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा बट साइकिलिस्ट बढ़नी चाहिए सिर्फ, और साइकिलिस्ट जब बढ़नी चाहिए जब लोग साइकिल टू वर्क, जो इन्होंने बताया लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जब हम मेट्रो से करके हम वो साइकिल ले लेंगे, तो PBS बाइक, पब्लिक बाइक शेयरिंग हो या तो यूलू हो, माई बाइक, वो जब लेके हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट करेंगे। हम नहीं बोलते लोगों को वसे विरार से चल के साइकिल करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूट मीन्स 5 to 7 to 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो साइकिलिंग करें तो मुंबई को हम साइकिलिंग सिटी बना सकते हैं ज़रूर। नहीं तो वही चलता रहेगा, कंजेशन दैन पॉल्यूशन ही चलता रहेगा। So I would urge all the Mumbaikers to participate in the Mumbai Cyclothon and yes, pick up a bicycle, which is very very important. Thank you, ma'am. Thank you very much. एक विजुअल साइकिलिंग को एक ऑर्गेनाइज एक इवेंट में लिया जा रहा है, और इसके पीछे का पूरा जो मकसद है वो यही है कि जिस ढंग के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपील किया था कि हेल्दी इंडिया हमें बनाना है, तो वो हेल्दी इंडिया बनाने की तरफ ये जो चैम्प इंड्योरेंस है, ये चैम्प इंड्योरेंस ने किया हुआ एक पहला स्टेप है। इसके पहले चैम्प इंड्योरेंस ने गुना में साइक्लोथॉन किया था जिसको बहुत बढ़िया सा रिस्पांस था। उसके पहले शिरडी में मैराथन करवाई थी, उसे भी बहुत बढ़िया रिस्पांस था। और हेल्दी इंडिया, ग्रीन इंडिया क्या मोटिव लेके ये सब एफर्ट्स हो रहे हैं। एटलीस्ट ये तो हो सकता है हम लोग जो शॉर्ट कम्यूटिंग करना है, जैसा मैडम ने भी बहुत सही तरीके से कहा था कि वो सही से हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कोई चर्चगेट तक आ जाए, लेकिन हम जरूर ही एक्सपेक्ट करेंगे मलाबार हिल से कोई मरीन ड्राइव तक या नरीमन पॉइंट तक अपनी साइकिल पे आ जाए। और मैं समझता हूँ ये जब होगा तो काफ़ी चीज़ें निकलने वाली है बाहर। जिस ढंग से ये कहा जा रहा है कि 2035 तक दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट ये देश में रहेंगे, ये कहा जा रहा है कि 2050 में सबसे ज़्यादा हार्ट पेशेंट ये देश में रहेगा। यदि ये सब चीज़ों के ऊपर हमें आना है तो इस ढंग के एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होगी जिससे फिजिकल फिटनेस को इंक्रीमेंट मिलेगा। लाइक साइकिलिंग करेंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ उसमें से मिलना है। जैसे मैंने बाहर लिखा था कि थ्रू साइकिलिंग प्रकृति के तरफ, उसका दो मीनिंग मैंने वहाँ लिखा था। प्रकृति मतलब हम नेचुरल इसके तरफ भी जा रहे हैं, और दूसरा मीनिंग मेरा ये था कि हमारे खुद की प्रकृति की तरफ भी हम देख रहे हैं। ओके सर, थैंक यू।